डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? है ना, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे क्या, है ना। तो पहले तो आप लोग को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज थोड़ी क्लास में छुट्टी थी, इसीलिए हम डायरेक्ट वीडियो नहीं बना पाए, समझे, तो उसके लिए सॉरी है। ठीक है, फिर भी पहले हम लोग देख लेते हैं आज हमारे सामने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आए हैं फिर से वही 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो वही SSC CGL में जो पूछा गया था उन्हीं क्वेश्चंस को हम फिर से कर रहे हैं बाबू। देखिएगा, जो हमारे सामने क्वेश्चंस आए हैं उसको देखिए पहले। 15 क्वेश्चन है, फिर से इधर करना है, चेकआउट करना है क्या। पहला आया है बाबू, बैंक्स वेयर, ये देखिए, बैंक्स वेयर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल वेन दे नीड इट। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। ये कहता हमसे क्या है बता आपको, ये हमसे कहता है कि जब आप एंड से टू लगा हुआ दो वर्ब को जोड़ने जा रहे हैं, है ना, तो वैसे कंडीशन में आप क्या करिए कि आप कि सेकेंड टाइम में जो आप 2+G1 लिखे हैं ना, उसमें से टू को हटा दीजिए। यानी हम यहाँ पर यदि टू कीप देखे हैं, तो यदि हम यहाँ से टू को हटा देंगे ना बाबू, तो ये मेरा जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस हिसाब से ये मेरा पोर्शन में गड़बड़ी था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। चलिए, हम आशा करते हैं इसको आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें बाबू। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए हमसे क्या कहता है। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, मैंने न्यूज़पेपर्स में जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से, वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय रेकलेसन। देखिए इधर, मैनी एक्सीडेंट, सेंटेंस तो पैसिव जा रहा है ना, बाई की उपस्थिति की वजह से भी आप कह सकते हैं कि सेंटेंस पैसिव जा रहा है। जब पैसिव जा रहा है तो ये मेरा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। तो मैनी एक्सीडेंट जो हुआ, ठीक है, ये मेरा पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ ना। जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इसको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ये बताइए। हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यदि यहाँ पर आर रख देते, क्या यहाँ पर आर रख देते, तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, क्लियर है बाबू, ना समझ आया ना। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने जो आ रहा है उसको देखिएगा। ठीक है, वो है हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ, देखिए आप बताइए जी, आप टिल या अनटिल जो टर्म होता था, ठीक है, इन सब का उपयोग किसके लिए करते थे बाबू? टाइम को डिनोट करने के लिए करते थे ना, करते थे कि नहीं करते थे? तो यहाँ पोजीशन को ना दिखाना है बाबू, कि स्ट्रीट के अंत तक। तो जब पोजीशन के अंत को दिखाने की बात होती है तो क्या यूज करना चाहिए, टू का यूज करना चाहिए। यहाँ पर हमने गलती लिखा था, यहाँ टू कर देते तो हमारा सही हो जाता, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज़ रीड 4 प्लेज रिटन बाई शेक्सपियर बाई द एंड ऑफ दिस वैकेशन। चलिए देखिएगा, इसको बहुत आसानी से समझाते हैं आपको। ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस के अंत वाले सेंटेंस में बाई, बिफोर ये लगा रहे, तो सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए। तो बाई द एंड ऑफ दिस वैकेशन है, तो ही विल हैव कर दीजिएगा ना यहाँ पर, तो ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। विल हैव कर देंगे तो ये मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, आसान था ना।
बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन, या बिफोर लगा रहेगा तो ऐसा हम लोग करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाबू, हमारे सामने जो आया है वो क्या आया है। वो हमसे कहता है कि द ऑफिसर इज एंग्री। ये देखिए बाबू, यहीं पर पकड़ा गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। ये देखिएगा, कहता है एंग्री टर्म है। एंग्री जो होता है बीत होता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष से खफा होते हैं। ठीक है, जब एंग्री के साथ, ये देखिएगा बाबू, एंग्री के साथ एट लगाते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति विशेष के किसी एक्टिविटी या व्यवहार से, ठीक है ना, नाराज़गी को दर्शाता है। क्लियर। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, व्यक्ति विशेष से खफा था, क्लर्क से खफा था, तो यहाँ पर ऑन को हटाइए और क्या लगा दीजिए बाबू, वीत को लगाइए, आपका पोर्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं, हम समझते हैं। चलिए हमारा अगला जो है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है आई फाउंड द टू फर्स्ट। ये देखिए बाबू, हम एक बात बताते हैं कि नंबर जो होता है ना हमारे यहाँ, नंबर जो होता है वो दो भागों में बंटता है, एक ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, और एक होता है कॉर्डिनल नंबर। क्या होता है बाबू, एक ऑर्डिनल तो दूसरा कॉर्डिनल। ऑर्डिनल क्या कहता है आपसे, ऑर्डिनल कहता है कि गिनती की संख्याओं में जब अंत में आप एस टी टी एच आर डी ये सब लगा देते हैं तो ये ऑर्डिनल कहलाता है, और गिनती की संख्याओं को हम लोग कॉर्डिनल कहते हैं। याद रखिएगा कि एक ही जगह पर दोनों आ जाए तो पहले हमको ऑर्डिनल लिखना है, क्लियर, बाद में कॉर्डिनल। क्लियर, यानी पहले ऑर्डिनल और बाद में कॉर्डिनल। तो इस हिसाब से आप देखिएगा कि फर्स्ट टू होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बाबू, फर्स्ट टू। गलती से इसने क्या लिखा, टू फर्स्ट, इस हिसाब से ये पोर्शन में गड़बड़ी है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, आपको समझ में आ रहा है ना बाबू, है ना। हैप्पी रिपब्लिक डे है बाबू, हैप्पी रिपब्लिक डे है ना, हैप्पी रिपब्लिक डे है आपका। हैप्पी रिपब्लिक डे में हैप्पी हैप्पी रहिए, और देश के स्वतंत्रता, देश के बने हुए संविधान का कद्र कीजिए, है ना। टू बी ऑनरेबल, जो भी हमारे ऑनरेबल पर्सन हैं जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में अपनी बड़ा ही कंट्रीब्यूशन दिया, उनके लिए हम लोग का फर्ज बनता है कि उनके इस दिवस को हम लोग क्या करें, पूरी तरह से निभाएं। क्या है बाबू, चलिए आगे बढ़ें। आगे हमारा देखिएगा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है बेकॉन, बेकॉन द फादर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, बेकॉन द फादर ऑफ द इंग्लिश, ऐसे था यहाँ पर छूट गया है, है द थर्स्ट ऑफ लैंग्वेज। देखिएगा इधर बाबू, थर्स्ट ऑफ नहीं होता, थर्स्ट फॉर होता है, किसी चीज़ के लिए प्यास होना, ठीक है ना, किसी चीज़ की तलाश होना, कोशिश होना कि हम ये चीज़ को पाना ही पाना है, तो थर्स्ट फॉर यूज करते हैं, ना कि ऑफ यूज करते हैं। क्लियर है ना। चलिए इसको कहते हैं ना, थर्स्ट फॉर जो होता है ना, वास्तव में हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर को दर्शाता है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है ना उसको दर्शाने का काम करता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है कि द ट्रेन हैड लेफ्ट वेन ही हैड रीच्ड। अब ये बताइए, बताने की ज़रूरत है क्या, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दीजिए, वी टू रहने दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला, ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक, ही सेड दैट ही विल नेवर। तो इस सेड जब पास्ट में चला है, इन्हीं दोनों को सेंटेंस को जोड़ा गया डैट से, तो विल को हमको पास्ट के सेंस में लाना होगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर वुड हो जाएगा, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अगला देखिएगा, आई एम एबल टू कोप अप, कोप अप नहीं होता बाबू, कोप बीथ होता है। क्या होता है, कोप बीथ, कोप बीथ मतलब होता है फेस करना, समस्याओं का सामना करना है, तो ये कोप अप को हटा दीजिए, कोप बीथ रहने दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है बाबू, उसको देखिएगा, ठीक है ना, वो अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है उसको देखते हैं, वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे कहता है कि आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन।
ठीक है, जब 20 है तो कल्पना वाली बात होती है ना बाबू, तो मैं प्रधानमंत्री होता तो आई 20, तो आई के साथ यहाँ पर वेयर, जब भी कल्पना वाली बातें होंगी ना, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट वाली बातें होंगी ना, तो यहाँ पर हेल्पिंग हर्ब के तौर पर हम लोग को क्या यूज करना चाहिए बाबू, वेयर का यूज करना चाहिए। क्लियर। अगला देखिएगा, सी इज़ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट फॉर होता है ना, कॉन्फिडेंट फॉर। अब फॉर जब लगाए हैं तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो चौथे रूप में होगा ना जी, तो यहाँ क्या लिख देंगे बाबू, विनिंग है ना, विनिंग द मैच, गोल्ड मेडल जो भी हो। क्लियर। तो यहाँ पर टू प्लस विन के जगह पर हम लोग सीधे कर देते कॉन्फिडेंट फॉर विनिंग द गोल्ड मेडल। क्लियर। चलिए, द बडी इज लेड। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर गड़बड़ी आपसे क्या हुई है, सबके दिमाग में चलता है कि द बडी इज लेड जो लिखा हुआ है वहाँ पर लाई का ही ना पड़ा हुआ था, तो लाई का देखिएगा, एल आई ई, लाई का जो पास्ट फॉर्म होता है ना बाबू वो होता है ले। तो जब यहाँ ले कैसे कर देंगे, यहाँ पर हम लोग कर देंगे ले, लेड की जगह पर ले कर देते तो मेरा सेंटेंस मेंटेन हो जाता है, क्योंकि पास्ट को मेंटेन कर लेता क्या। ठीक है, चलिए अगला कहता है, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, द हाउसेज बिलो वेयर, ठीक है, द हाउसेज बिलो वेयर हार्डली विजिबल, मतलब किसी बड़ा दिक्कत से नीचे वाले मकान दिख रहे थे, तो ये सेंटेंस मेरा सही है, इसको नो इरर कर देते हैं। अगला कहता है, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु है, बताइए हमें बार बार कहे ना कि वन ऑफ द प्लेयर्स, ये प्लूरल आ गया ठीक है, और यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड दे दिया, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी यहाँ क्या होना चाहिए था बाबू, हैव, सेंटेंस सही होता। चलिए देखिए बाबू, हमने 15 क्वेश्चंस को किया, क्लियर है ना, पूरी तरह से सबको समझ में भी आया, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, सब लोग आप इसको समझ चुके हैं। क्लियर है ना बाबू, क्लियर है ना बाबू, क्लियर है ना बाबू, कोई बात है तो आप हमको बताइए, कोई भी गड़बड़ी है तो बताइए, कोई भी कंप्लेन है तो बताइए, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, हम आपको जवाब देंगे, हर एक व्यक्ति का जवाब दिया जाएगा, निश्चिंत रहें, और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, ये मेरा आपको भरोसा दिलाया जा रहा है। क्लियर। और निश्चिंत रहिए, जो हम पढ़ाते हैं वही आता है, देखिए एकदम, ये सब जीरो लेवल वाले जो होते थे ना बाबू, ये ज़ीरो लेवल वाला जो होता है हमारे क्लास का क्वेश्चन वो है ये। क्लियर। और वो बताइए SSC में पूछ रहा है। क्लियर। तो आप इसमें मत फंसें, निश्चिंत रहें, हम जो पढ़ाएंगे वो ही आएगा। क्लियर। याद रखिएगा बाबू, फिर से हम एक बात बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते थे कि 1 फरवरी से क्या बाबू, 1 फरवरी से हमारा न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपको बहुत कम फीस पर ही ये चालू किया गया है, मात्र 2500 रुपये, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बाबू, ठीक है, COVID-19 के बाद ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, दम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, पूरा देखेंगे, दम CET के जो है ना वो भी तैयारी उसी में हो जाएगा, ठीक है ना। और उधर देखिएगा, MBA बुक का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और वो हमारा 20 तारीख से 5 से 6 के बैच में चालू है, इसको भी आप लोग देखें, जो पुराने विद्यार्थी हैं वो ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि उनका रिवीजन होता रहे। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। चलिए एक बात और कहना चाह रहे थे, वो ये कि आप सभी को कल हमारा 26 जनवरी है, दैट मीन्स रिपब्लिक डे। क्या है बाबू, रिपब्लिक डे है ना, रिपब्लिक डे, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे है ना, हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं है ना, है ना, और हमारा आन तिरंगा है, हमारा शान तिरंगा है ना, हमारा आन तिरंगा है, हमारा शान तिरंगा है, हमारा जान तिरंगा है। क्लियर है ना बाबू, हमारा ही तो ये सब कुछ है, इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है, ठीक है ना, सभी लोग देश की सेवा के लिए हैं ना, चाहे कोई सेना बनकर, कोई कर्मचारी बनकर, देश की सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या वो, तो इसीलिए हम लोग भी सेवा करने के लिए तैयारी करेंगे, ठीक है, आप सभी मेरे साथ आइए, हम आपको सेवा करने का मौका उपलब्ध करवाते हैं,
ठीक है बाबू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।